चार फॉर्मूले लिखेंगे जरा क्या क्या है अभी। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लिखेंगे, देखो साइन ए प्लस साइन बी, ये कोई फॉर्मूला है। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साथ साथ में उसको रिकॉल भी करते जाएंगे। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। कैसे आया कैसे नहीं आया अभी आप डायरेक्ट याद करें, फिर से गुनगुनाएंगे। साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा, वो तो आएगा ही आएगा, साइन ए प्लस बी बाई टू। दोबारा लिख लो बेटा आप लोग, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका कोई नेगेटिव में इफेक्ट नहीं जाएगा। टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है लक्ष्य जी? लक्ष्य जी आप थोड़ी हेल्प कर पाएंगे हमारी? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, टू तो आएगा ही आएगा, सरकारी है, यहाँ पहले कॉस आएगा और बाद में क्या आएगा, साइन आएगा, तो क्या हो जाएगा ये अभी हम इसका हम कोई रिदम बना लेंगे याद करने के लिए, ठीक है? लिख लो जरा दोनों फॉर्मूले लिख लो। साइन ए प्लस साइन बी का क्या ट्रेंड बना, टू तो आएगा ही आएगा, साइन लिख के दोनों एंगल को प्लस करेंगे उसका, फिर क्या करेंगे हाफ, या माइनस करके क्या करेंगे हम लोग हाफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू कॉस लिख के नंबर तीन क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी, टू तो सरकारी लग ही रहे, अगर प्लस आएगा तो दोनों ही क्या आएंगे अर्शिया कॉस आएंगे, क्या आएंगे कॉस, तो क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू, क्या आ गया कॉस ए माइनस बी बाय टू। और अगर ये कॉस ए माइनस कॉस बी, इसमें माइनस टू आता है अपशगुन हो जाता है, इसमें मैंने बताया था कॉस ए माइनस कॉस बी अपशगुन होगा, टू की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहां दोनों ही क्या आएंगे साइन आएंगे। ये चारों फॉर्मूले एक बार गुनगुनाएंगे, ठीक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और जो बच्चा, जैसे ये बच्चा जो अभी बैठा हुआ था बेचारा, 11th में मौज करी है इसने, अब इतना दुखी हो रखा है ये कि 11th में ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है और 12th में ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है। कोई चैप्टर ढंग से करना चाहे मत करना, कॉम्प्लेक्स नंबर मत करना, लीनियर इक्वेशन कर लेना, वो तो इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मोदी को देश की ज़रूरत है ना, तो 12th को ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है, क्योंकि 12th के लिए ट्रिको आएगी आएगी काम। चलिए अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक क्वेश्चन करना है मुझे सॉल्व, आपसे कहा गया सॉल्व करो। एक जगह लिखा हुआ साइन 7x प्लस साइन 3x की वैल्यू क्या आएगी, आपसे पूछा गया है, सेवन साइन 7x प्लस साइन 3x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा चारों में से, पता कैसे लगा आपको? सर साइन साइन का जोड़ है, यहां एक जगह कौन बैठा हुआ है, बी की जगह कौन बैठा हुआ है 3x, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप जितनी बार लिखोगे ना फॉर्मूला उतना आपका पक्का होता जाएगा। अर्शिया क्या फॉर्मूला होता है बता जरा, साइन ए प्लस साइन बी का, हाँ ये फॉर्मूला होता है। अब यहां एक ही जगह कौन बैठा हुआ है, यहाँ बी की जगह कौन बैठा हुआ है 3x, तो क्या आएगा, क्या बन जाएगा ये बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टू साइन 7x प्लस बाय टू, और क्या आएगा फिर कॉस 7x माइनस 3x अपॉन टू, यस और नो? इसको फिर फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं, 7 और 3 कितना हो गया 10x बाय टू, 10x बाय टू का मतलब कितना हो जाएगा लक्ष्य है, 10x बाय टू का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या आएगा 5, 5 मेरे बच्चे 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2 साइन 5x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और 7 में से 3 क्या कितना आ गया 4,
फोर का आधा कितना हो जाएगा, मतलब टू, तो कितना आ जाएगा ये साइन 2x, ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई? दोबारा बताते हैं बेटे, इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, साइन 7x प्लस साइन 3x, कैसे निकाली हम लोगों ने? हमने देखा कोई फॉर्मूला लग रहा है इन चारों में से। पहला फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, एक जगह कौन बैठा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ ए था, यहाँ कौन है 7x, यहाँ कितना है बी है, तो यहाँ कितना है 3x है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैसे, एक मिनट अर्शिया, मैंने सही किया बेटा? बेटा मैंने ठीक लिखा है ना? सोच में पड़ गए, भी लड़की है, तेरी आवाज ही नहीं आ रही। लक्ष्य है आपको आना क्या चाहिए, लक्ष्य क्या आना चाहिए, साइन या कॉज? तो मैंने साइन लिखा, आपने बताया क्यों नहीं मैंने साइन लिखा है? ओहो, क्या आएगा, कॉज आएगा, वेरी गुड, एक लड़की पहचान गई एक बार में। तो बेटा यहाँ साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो फॉर्मूला वो होता है, हमेशा फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 sin a + b/2 ए माइनस, अब 7 और 3 कितना हो गया 10x हो गया, 10x/2 कितना हो गया 5x, 7 और में से 3 गया तो हाँ मतलब 4 बचेगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, बस खत्म, कॉपी कर लो उसको, उसके बाद एक सवाल करेंगे। हाँ, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे तभी तो याद होगा, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल को आपने सवाल गलत लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ गलत कर दिया अभी, तो फॉर्मूले के नंबर तो दे देगी टीचर कम से कम, फॉर्मूला गलत नहीं हो सकता, फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, कई बार हम लोग गलत कर सकते हैं। एक सवाल करेंगे, कॉज 17x + cos 7x, वैल्यू निकालो उसकी, फॉर्मूला लिखा ही हुआ है आपके पास। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा बेटा, फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा, लगाओ जल्दी से। एक दिन क्या बताया तूने बेटा, देखते हैं बाकी बच्चों का क्या आ रहा है। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, अभी करते हैं धीरे धीरे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, वेरी गुड, सेम ही आएगा लक्ष्य बाबू, आप तो छा गए ऑनलाइन में। हाँ, यहां तो बल्कि गलत करता, वहां तेरा एक बार में सही हो रहा है, तेरा ध्यान ज्यादा रहता है ऑनलाइन में। 2 cos, हमेशा क्या लिखो आप, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला हमेशा लिखोगे तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब एक ही जगह कौन बैठा हुआ है 17, बी जगह कितना बैठा हुआ है यहाँ पे 7, कार्तिक बाबू ठीक है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ, कौन बताएगा, समझ आ रही बात वाली, कितना हो जाएगा बेटे बताओ जरा, क्या हो जाएगा 2 cos 17x + 7x/2 और cos 17x - 7x/2, दोनों को प्लस करा फिर आधा कर दिया, कितना आएगा बेटा, हाँ 17 और 7 24, 24 का आधा कितना हो गया 12x, और क्या हो जाएगा cos, मतलब सॉरी कितना आएगा cos 5x। चलें, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में दो लोग ढीठ होते हैं, ढीठ जानते हैं आप, स्टबर्न एकदम, जो प्लायबल नहीं है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, फंसी बंदा है, दो लोग क्या होते हैं हमारे, फंसी होते हैं, कौन कौन, एक कॉस थीटा, क्या नहीं कॉस और सेक थीटा, बताता हूँ, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता माइनस का, बताऊंगा जरा मैं, एक चरा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो मैंने 48 फॉर्मूलाज नहीं लिखवाए थे आपको,
अरे कुछ नहीं, एक भी फॉर्मूला नहीं है, वो कॉन्सेप्ट वाले जो कराए थे, तो घबराओ मजे डर जाएंगे। बस 20 फॉर्मूले होते हैं ट्रिको में, कुछ ज़्यादा नहीं है। वैसे तो 156 फॉर्मूला होते हैं गिनाने लगूंगा तो, 156 फॉर्मूले होते हैं। मैं 156 फॉर्मूले गिनाता था पहले बच्चों को, अब मैंने गिनाना बंद कर दिया। बच्चे कह रहे मैथ नहीं ले रहे, मैथ छोड़ रहे हैं सर हम लोग। ठीक है, बस 20 ही फॉर्मूले है भाई। वो क्या है वो, मैं जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा अभी। मैं करूँ जरा, चलो मेरे काट दे। देखो क्या फॉर्मूले, हल्का से ले लो। साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसिकेंट माइनस थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है एक बार ये लिख लीजिए। इसमें दो लोग ढीठ होते हैं, मैंने बताया, स्टबन होते हैं एकदम। कौन कौन? कॉस और सेक। इनके ऊपर माइनस का कोई असर पड़ता ही नहीं, ढीठ हैं। यानी कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, खाली कॉस थीटा होगी। इसके ऊपर माइनस का कोई असर ही नहीं पड़ता। इनका डेरिवेशन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं, कोऑर्डिनेट में डिपेंड करेगा नहीं। माइनस थीटा तो सीधा यही लिखना है आपको बेटा, किसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता बेटा, कॉस थीटा और अर्शिया। मैं आपसे सुनना चाहूंगा, किस किस पर असर नहीं पड़ता? सेक थीटा। इनपे इनके अगर माइनस आएगा तो भी वैल्यू किस में आएगी, इन दोनों की पॉजिटिव में आएगी। ये लिख लो जरा एक बार। चलिए आगे सर, कार्तिक जी आदेश देंगे तो हम आगे चल पड़ेंगे। चलें, कर लिया जी आपने कॉपी? कौन कौन यहाँ पे स्टबन है? कॉज और सेक, कॉज और सेक। चलेंगे चलें, सवाल नंबर आएंगे हम लोग अब 16 पे आएंगे। मैं इसको यहीं कर दूंगा। 16 क्वेश्चन नजर आ गया आपको? ये 3 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में। कॉस 9x माइनस कॉस 5x, ये न्यूमरेटर में है और ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। उसको हमें प्रूव करना है। ये हमने क्या लिया है यहाँ पे, LHS ले ली। LHS क्या है एक बार बताओगे जरा? कॉस 9x माइनस अपॉन, अब यहाँ कितने फॉर्मूले लगने वाले हैं यहाँ पे? दो फॉर्मूले लगेंगे। एक तो लगेगा किसका, कॉज ए माइनस कॉज बी का, और एक लगेगा साइन ए माइनस साइन बी का। सीधी सीधी बात है, नो बकवास, सीधी बात। क्या फॉर्मूला लिखेंगे पहले भैया, ताकि टेंशन खत्म। कॉज ए माइनस कॉज बी, वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या कॉज ए माइनस कॉज बी का फॉर्मूला क्या होता है, लक्ष्य? मैंने बताया था अपशगुन हो जाता है इस फॉर्मूले में। क्या लगेगा, माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉज, सॉरी 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 सॉरी, दोनों ही साइन आते हैं। देखो हो जाता है ना, भी हादसा, साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है कार्तिक जी, ये तो हमने लिखा है फॉर्मूला आज ही। और यहाँ पे क्या लगेगा नीचे वाले में, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए माइनस बी बाई टू। अभी फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग वाला, फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया आपने।
चलिए कैसे लगाएं आपने बताओ जरा आप। कॉज ए माइनस कॉज बी क्या हो जाएगा, देखो जरा, माइनस टू साइन पर ये कितना हो जाएगा बोलो। एक सेकेंड, आपके स्कूल में हो गया ये, आपके स्कूल में हो गया ये अर्शिया, ये नहीं हुआ है। माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, अच्छा ओके ओके, साइन ए माइनस बी बाई टू हो गया। हाँ एक एक मिनट काटेंगे, जब प्यार से इतना गुस्सा ना कर। क्या आएगा टू कॉस, क्या आएगा बोलो जरा, हेल्प तो कराओ मेरी। नाइन एक्स और ये बनिया आदमी क्या कह रहा है, कह रहा है मैं इसको यहीं काट दूं क्या, काट सकते हो क्या, कह रहा है ये साइन नाइन माइनस इसको सॉल्व करेंगे वो आएगा, तो अल्टीमेटली तो कटना ही है, तो उसको पहले काट काट के खत्म करें कहानी। ये कह रहा है मैं इसको यहीं काटना चाहता हूँ, काट दें इसको यहीं, क्यों टाइम लगाए हम लोग काटते, और टू से टू किया कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बताओ जरा। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बेटा, हमारा तो आएगा ही नहीं ऐसे, तो ये आ जाएगा। हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कितना आया बताओ जरा, मैंने कुछ गलत नहीं करा गया यार, 17 ये मैं वही लिखा जा रहा हूँ कुछ बस। नहीं, ये देखो, हाँ अभी आराम आराम से आराम से, यहाँ पे मैंने ये सेम ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी, आपने भी वही पुट कर दी थी, हो जाता है कई बार। यहाँ पे एक्स की जगह, एक ही जगह कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, 17 यहाँ पे कितना है 3, तो कितना आएगा यहाँ टू कॉस कितना, और ये कितना आएगा यहाँ साइन। आप कैसे कैंसिल आउट कर रहे थे भाई, कौन कर रहा था कैंसिल ये, अच्छा ओहो मतलब तुम कॉपी कर रहे यार, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे। हाँ, अभी करेंगे करेंगे करेंगे, समझ में आ गया, मतलब यहाँ देखेंगे ना एक्स की जगह कौन है, वाई की जगह कौन है, ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, या बस ऐसे हवा में चलेगी बातें। अब क्या हो जाएगा देखो, ये टू से टू तो काट दो जरा मौसम, ये तो निपट गया काम, कितना बच गया अब यहाँ पे, माइनस नाइन और फाइव 14, 14 का आधा कितना हो गया, ये नाइन में से फाइव गया तो फोर, फोर का आधा कितना हो गया अपॉन 17 और 33 20, 20 का आधा कितना हो गया, नहीं बेटा सॉल्व तो करना पड़ेगा ना थोड़ा, तभी तो कटेगा बेटा, ऐसे कैसे काट दो, टेन एक्स कैसे आया, देखो 17 और 3 कितना होता है, 17 और 3 20, 20 17 और 3 20, 20 का आधा कितना हो गया 10, और ये 17 में से 3 गया कितना आ गया 14, 14 का आधा कितना हो गया 7। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, साइन 7x है, साइन 7x कट गया, कितना बच गया माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x आ जाएगा, यस और नो। तो ये इसका आंसर, देखो क्या प्रूव करना था, अरे ये तो यही आ गया, वो तो आना ही है। कैसे लगे सवाल ये यार, स्कूल के पेपर ही मिलेंगे 3-3 नंबर के, इसको कॉपी कर ली थी, और मैं नहीं करूंगा सवाल, सवाल आप 17वां आप करेंगे। हाँ 3.3, 3.3 17वां भी कर लिया, हाँ कट जाएगा बेटा, सेम एंगल आ रहा है ना इसलिए कट जाएगा, ये कैसे कट जाएगा, ये साइन है ये कॉज है, ये साइन थीटा है ना इसका, ये हाँ साइन का एंगल है, और ये एक्स प्लस वाई पूरे के अपॉन में है टू, मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन टू, हाँ तो ठीक, ये कट जाएगा ये बच जाएगा खाली, और साइन अपॉन कॉज थीटा क्या होता है, तो 10x माइनस वाई बाई टू आ जाएगा। 17 करेंगे तब तक आप, 17 और 17 के बाद करेंगे 19, आप ही करेंगे मैं नहीं करूँगा। लक्ष्य समझ में आया बेटा, लक्ष्य बाबू वेरी गुड, कौन सा वाला बेटा, ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा ये, हाँ
बेटे यहाँ तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया ना, कॉज ए माइनस कॉज बी का फॉर्मूला लगाया ना, ये क्या होता है माइनस टू फिर क्या लगता है साइन। तो देखिए यहाँ पे एक जगह कितना है अभी, यहाँ पे नाइन और ये कितना है, तो नाइन प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स अपॉन टू, नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन टू, और नीचे लग रहा है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, नीचे वाले नीचे वाला फॉर्मूला लगा दिया, करके देखिए अब जरा। हाँ 17 और 19 करना है बेटा, 18 नहीं करेंगे, 18 मैं करा दूंगा। दोनों कर लिए, वेरी गुड, थोड़ी पास भाग रही है, छोटा सा पेपर कर देगी जरा, अच्छा एक छोटा सा काम कर देगी, 21 भी ट्राई कर लेगी। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, देखो यहाँ पता तीन आ रहे हैं, तीन का तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो कॉस 4x और कॉस 2x का जोड़ा बना ले, हाँ हाँ इन दोनों का जोड़ा बना ले और इन दोनों का भी जोड़ा बना ले, फिर दो का फॉर्मूला लगा दे, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, बाकी काम अर्षा करेगी, हो रहा है ना। 20 में क्या दिक्कत आ रही है, 20 तो हो जाएगा, 20 में थोड़ी सी तकलीफ होगी, नीचे फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, आपको तो आता है लेकिन मुझे कराना पड़ेगा, आप लोग तो कर लोगे लेकिन ये जिन्होंने पिछली क्लास में नहीं आए थे ना उनको दिक्कत आएगी, एक मिनट में कराऊंगा, 20 में मैं कराऊंगा, आप 21 ट्राई कर लीजिए तब तक, आप मैं चेक करने आ रहा हूँ बस। नाइनटीन के बाद 21, 21 बता रही है जोड़े बना लो आप, इसलिए नहीं बनाएंगे कि उनको ऐड करेंगे ना 7x/2 आ जाएगा, वो थोड़ा फिगर अच्छा नहीं आएगा, 4 और 2 में क्या होगा, हाँ 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 वो जोड़े बन जाएंगे बेटा। नहीं वो 3x और 7x से कैसे कट जाएगा, हाँ तो कर जाएंगे, मैं करा रहा हूँ, एक आप ट्राई करेंगे अपने हाथ से तो बेटर रहेगा। लक्ष्य हो रहा है, वेरी गुड, हाँ अभी देखते हैं बेटा, एक मिनट। हेलो नमस्कार सर, कैसे हैं, जाट की जो बनिए का दिमाग क्या, 4 और 2 का जोड़ा बना लो। अरे ये दोनों निकाल लिया आपने, 17 और 19 हो गया था आपसे, सबने कर लिया,
कभी करने का, फिर मैं कराऊंगा तुमसे। उसके दो तीन बहन भाई भी हैं, वो मिसलिनियस में सीबीएसई को बड़ा सवाल पसंद है, हर स्कूल टीचर को पसंद। हाँ तो फिर आप ऐसे मत करो ना, आप जोड़े ऐसे बनाओ ना बेटा वो। हाँ मैं करता हूँ जरा, आप सुन। मैं एक बार करा दूँ क्वेश्चन नंबर 21 कार्तिक, मैं कराता रहूंगा, तू अपनी थोड़ी आंखें बंद कर लियो 2 मिनट के लिए। अभी दो तो हो गए आपसे नहीं निकले। इशिता बेटा दोनों निकल गए ना पहले वर्ड सेवन, चेक तो करने की जरूरत नहीं है मुझे। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे जरा। 21 में को लिखवाना क्या, एक बार जरा लिखवाओगे जरा मुझे एक बार। एक सेकेंड मेरे बच्चे, बोलना जरा क्या बेटा। कॉस 6x प्लस, नहीं नहीं स्टार्टिंग से बोलना सवाल क्या था। कॉस 4x, कॉस 3x, कॉस 2x अपॉन साइन 4x प्लस, ये सवाल लिखा हुआ है वो तो हम ले आएंगे। इज इक्वल टू क्या है, तो मैंने LHS ले लिया, क्या ले लिया। अब मैंने जोड़े कैसे बनाए बेटा, 4 का किसका जोड़ा बना लिया, 2 के साथ बना लिया, क्या हो जाएगा बताओ जरा। ये cos 4x प्लस प्लस ये ऐसे कैसे रहते अपॉन में क्या, इसको अलग रहने दिया। हमारा फॉर्मूला क्या है कॉज ए प्लस कॉज बी का बताओ जरा। वी नो डैट क्या बेटा, क्या चीज। अच्छा हम क्या जानते हैं कॉज ए प्लस कॉज बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। फॉर्मूला तो बताओ, मेरी हेल्प करो, क्या फॉर्मूला होता है। कॉज ए माइनस बी बाई टू हो गया, और साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू। देखो जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी बार पक्का हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ एक जगह कौन बैठा हुआ है, 4x, बी की जगह कितना है 2x, ठीक है लक्ष्य है, सुन पा रहा है इस बात को। और यहाँ पहले ऊपर लगा लेते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये बताओ जरा मेरी हेल्प करो। 2 cos 4x प्लस, जब आप बड़े हो जाए, बड़े होने का मतलब है कि जब आप थोड़ी मैच्योर हो जाएंगे तो सीधे ही कर लेंगे, लिख सकते हैं यार वो भी लिखते मैं। हाँ हो गया हो गया हो गया, गुड 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 गुड। ये कितना आएगा कॉस, कितना आएगा, खुशी से मिलती है ऐसे सवाल खुद सॉल्व हो जाए तो। प्लस ये ऐसे कैसे रहेगा, यस और नो, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। इसी का ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बता। टू बोलो जरा, टू साइन, अब देखो अब एक मजे लेंगे हम लोग, देखा जरा अब देखना कौन कौन सही बताएगा। ये क्या आएगा कॉज, कितना था, एक चीज बताओगे अर्शिया, अब देखना जरा बेटा इसको, ये दोनों सेम आ रहे हैं, इनको काट दूं क्या, क्यों। हाँ प्लस में, कई बच्चों का मैथ इतना स्ट्रांग होता है इनको दोनों को उड़ा देंगे। किस किसने उड़ाया सही बताओ, किसने उड़ाया था, ये उड़ाना नहीं है बेटा, ये नहीं उड़ेंगे एक्स में, क्या बच्चे इनको भी उड़ा लेते हैं, अगर इंटू का साइन होता तो उड़ता है, एक कटेगा ऐसे नहीं कटेगा, आपने उड़ाया था ना। कितना आ गया इज इक्वल टू में, कितना आएगा बताओ जरा, ये कितना आएगा सॉल्व करके बताओ। 2 cos 4 और 2 6 का आधा कितना हो गया 3x, और cos कितना आ गया ये 4x माइनस 2x बाई टू, तो cos x प्लस cos 3x अपॉन, ठीक है ये कितना आ जाएगा 2 sin, कितना आ जाएगा 3x, और ये कितना आ जाएगा, ये sin x बचेगा प्लस कितना साइन 3x। अब यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है थोड़ी हेल्प करूँगी यहाँ पे।
वेरी गुड, देखिए ये गलतियां ढूंढ लेती है लड़की, कॉस एक्स साइन, थैंक यू। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, ऊपर में आपसदारी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो अगर थोड़ा इजी करेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? कॉस 3x कॉमन आ गया, कितना बचा? नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो जरा कितना बचा, कुछ कट रहा है आपसदारी में? ये दोनों कट जाएंगे बेटा, कितना बचा हमारे पास? कॉस 3x अपॉन साइन 3x क्या हो जाएगा? कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू हैंस रूट। समझ में आया? एक बार कॉपी कर लो जरा, एक बार मेरे को पीडीएफ भेजेगा तो मेरे को भेज दे एक बार जरा, मैं देख के बता दूंगा। बेटा ये कॉर्ड क्यों आया? ये तो कॉस 3x साइन 3x था ना, ये बेटे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है ना। अगर ये 3x है, ये भी 3x है, तो ये भी क्या आएगा? 3x आएगा ना बेटा, कॉस बटा साइन। हाँ जी सर, एक पेरेंट आए हुए थे, आपने बुलाया होगा ना उनको? हाँ आपने 6:30 बुलाया था ना उनको? ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, पीछे बैठ जाओ, कोई नहीं बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, आ रहे बता रहे ऑन द वे ही बस, पाँच अब बैठ जाइए तब तक आपको दिक्कत। हाँ जी बेटा, कहाँ थे हम लोग? ये हो गया नहीं हुआ आर्शिया? अच्छा कॉपी कर लो तब तक, फिर अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। इजी है, इसके दो दो तीन बहन भाई हैं, उन पे चलेंगे जरा हम लोग। ये सबको पसंद है फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला भी और टॉपिक भी, लेकिन अगली क्लास के अंदर आपका फॉर्मूला टेस्ट होगा ही होगा, फॉर्मूला टेस्ट होगा ऑरल। नहीं नहीं पुराने का भी होगा ना, आप वीडियो देख के आओगे ना थोड़ी सी। लक्ष्य बाबू आपका आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ भी है। 70 में बताता हूँ मैं जरा कैसे होगा। फॉर्मूला गलत लगाया तूने, बताते हैं अभी आपको ऐसे, कुछ तो गड़बड़ी करोगे छोटी मोटी। मैं तेरे को सॉल्यूशन भेज दूँ सही वाला, 70-19 किसने किया है? एक बार फोटो खींच के ग्रुप में भेजेगी, भेजेगी फोटो खींच के, हाँ फोटो भेज खींच के भेजे ग्रुप में भेजे एक बार जरा, और ये खुद ढूंढेगा अपनी गलती को फिर। हाँ एम ए भेज एम ए, हाँ चले आगे सर, कॉपी कर रहे हैं अभी कार्तिक जी। कार्तिक थोड़ी सी हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, ठीक है मेरे बच्चे? चले आगे, इसके भाई दिखाता हूँ, दो तीन भाई हैं। क्या 3.1 और 3.2 तो मैंने टच भी नहीं करी अभी तक, सीधी 3.3 पे आता हूँ मैं, क्यों यही एक एक्सरसाइज है जो आपको आपका हक दिलाएगी। 3.1 3.2 तो कुछ भी नहीं है, जिसको ये आ गया उसको ट्रिको आ गई। होता क्या है कि सब लोग 3.1 3.2 पहले कराते हैं,
तब तक बच्चा टूट लेता है और ये मेन चीज पे फोकस नहीं कर पाता। अब देखिए जरा, मैं आऊंगा सवाल नंबर 5 की तरफ, आपके पास आऊंगा जरा, 5वां 6ठा 7वां सबको बड़े पसंद है। 5वां सवाल देखेंगे केवल, आप करना नहीं है, केवल देखना है जरा, तो देखो क्या कह रहा है। अच्छा, किसका किसके साथ जोड़ा बनाओगे जरा एक बार यहां। रियोर किस, जोड़ा तो किसी का बन सकता है लेकिन मजा किसमें आएगा? 5 और 3 का बन तो किसी का, किसका बनाओ फिर, मेरे को एक फाइनल आंसर दे दो यार। देखो मैं साइन एक्स का और साइन 7x का जोड़ा बनाऊंगा, पता क्यों? 1 और 7 प्लस करूंगा तो 8 आएगा, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, और एक जोड़ा बनाऊंगा मैं 3 और 5 का, 3 और 5 8 करूंगा उसका आधा कितना आ जाएगा 4, तो उसको क्या निकाल लूंगा मैं, कॉमन निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? कॉमन निकाल लूंगा मैं, मेरे को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। नीचे किस किस के जोड़े बनाऊंगा बताऊं मैं? अच्छा नीचे कुछ है ही नहीं, सॉरी नीचे कुछ है ही नहीं सवाल में, तो हो जाएगा ऐसा वाले करके देखेंगे करते, अभी नहीं अभी नहीं, अभी मैं करूंगा बेटा। ये 6ठा सवाल देखिए जरा, यहाँ भगवान की दया से जोड़े ऑलरेडी बने हुए हैं, भगवान की दया से जोड़े क्योंकि, तो अब इन दोनों में क्या लगाएंगे तो कितनी बार फॉर्मूला लगेगा, 1 2 3 4 बार, 4 बार फॉर्मूला लग जाएगा, फिर कुछ कॉमन कॉमन आएगा, कुछ कट जाएगा, उसके बाद में फिर एक बार दोबारा फॉर्मूला लगेगा, देखना यहाँ पे, तो 6 बार फॉर्मूला लगता है इसमें, तो टीचर 6 नंबर का दे देते हैं इसको। हाँ वैसे 6 नंबर का सवाल आता नहीं है, तो टीचर्स को कितने नंबर का देते हैं? 5 का देते हैं, और क्या ही कंजूस टीचर होते हैं, वो 3 का भी दे देते हैं, क्योंकि 4 नंबर में तो आपके केस स्टडी आएंगी। क्या आएगी? केस स्टडी। तो आई होप ये आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, गौर से देखेंगे, ये मैं करूँगा 7वां सवाल, इसमें किस किस का जोड़ा बनाया बताओ, कह रहे प्लस वालों का जोड़ा बना लो, अगर पर दोनों को प्लस करना कितना आएगा, 3 और 2x कितना हो जाएगा, 5x का आधा कितना होगा, क्या हमारे आंसर में कहीं नजर आ रहा है? यस, देखिए तो जोड़े बनाते समय भी ध्यान रखना, मुझे चाहिए कहाँ, ठीक है, तो हम किसका जोड़ा बनाएंगे अबे अर्शिया, किस किस का जोड़ा बनाऊं बताएं यहां मैं, क्या मैं इन दोनों का जोड़ा बना दूं अगर आप कहें तो? सर आपकी अपनी चल रही है, जब मानो जब जिसका पेयर बना रहे हो आप, यहाँ मेरा स्वार्थ है थोड़ा सा, आप बना के देख लो फिर काट लेना, फिर दोबारा कर लेंगे, यही होता है बेटा, नहीं निकलेगा तो। लेकिन एक्चुअली मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार 3 और 2 5 हो रहा है, 5 का 2.5 तो कहीं आंसर में नजर ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ यार, अगर मैं जोड़ा बना लूँ किसका, 3 और x का, तो प्लस करूंगा तो 2 आ जाएगा मेरे पास, माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 2x आएगा, फिर देखता हूँ कुछ बन जाएगा नहीं बनेगा, कोशिश करते हैं। चलो 7वां सवाल क्या है, ये आ गया, किस किस का जोड़ा बनाया आपने, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा दें,
अप्लाई करें फॉर्मूला। ठीक है अर्शिया, ये आ जाएगा। क्या हम सही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहां? सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा? ये फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ टू लग जाएगा बेटा, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी में, तो टू कॉस थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू और साइन थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ जरा। ये आ जाएगा नहीं आएगा? ये गलती नहीं करनी देगी मुझे, ये साइन एक्स आ जाएगा। इतना तो आप कर लोगे, उसके बाद आप बाकी बच्चे कर लोगे आपके अलावा। आप तो आए थे मॉर्निंग में आए थे ना आप तो? हाँ, तो आज मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, मैंने पूछा था क्लास के अंदर में, आप वीडियो देखो तो याद आ जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट रेफरेंस लिखूंगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कॉमन आ रहा है कुछ? अगर आपको याद हो क्या कॉमन? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या बेटा? साइन क्या कह रही है? सही कर रहा हूँ ना मैं? ठीक है। अच्छा, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आज आपने बताया था टू साइन एक्स कॉस एक्स, बेटा एक फॉर्मूला होता है, अभी याद कर लेंगे आप क्योंकि आपको याद नहीं है अभी। साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है, कल हमने डिस्कस किया था हाफ एंगल फॉर्मूला। अब बताओ दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? टू साइन एक्स कॉमन आ रहा है, कितना बच गया? ये बच गया कॉस टू एक्स प्लस कॉस एक्स बच गया। हाँ हाँ बोलो। साइन नहीं 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 ये बेटा फॉर्मूले में माइनस आ गया ना बेटा, तो एक्स को माइनस ले लेंगे, फॉर्मूले में माइनस है ये तो ऑटोमेटिक। हाँ क्या सही तो लगा है बेटा? अच्छा नहीं नहीं बेटा, पेयर हमने ये वाला पेयर लिया ना बेटा, ये वाला और ये पेयर लिया बेटा हम लोगों ने। हाँ हाँ तो बताओ एक बार, थोड़े और ठंडे दिमाग से सोचिए जरा, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा पी लिए तब तक आप। ये आ गया। अब यहाँ कॉज ए प्लस कॉज बी का फिर फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। कॉज ए प्लस कॉज बी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? हेल्प करिए मेरी, क्या आएगा? एक सेकेंड बेटा, बस ये हो गया मेरे बच्चे। ये कितना बच गया? टू साइन एक्स। और देखो मुझे क्या प्रूफ करना था, यही नहीं लाना था मुझे, देखो कहाँ गया। टू टू जा फोर हो जाएगा, फोर साइन एक्स कॉस थ्री एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू।